हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टॉप 10 क्लासेस के क्रैश कोर्स में। जैसा कि गाइस पिछले भाग में हम लोग डीएनए का रिप्लिकेशन पढ़ लिए थे, अब जो हम लोगों का टॉपिक है वह है डीएनए से एमआरएनए का निर्माण। तो गाइस डीएनए से एमआरएनए के निर्माण के लिए हम लोग डीएनए के द्विरज्जु की भाग में एक सिग्मा फैक्टर या आरएस फैक्टर को लाते हैं। तो गाइस यहां पर यह स्टार्टर है और इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन और इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर। मान लीजिए समापक है। अब हम लोगों को डीएनए से एमआरएनए का निर्माण करना है, तो यह जो आरएस फैक्टर है ये यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के पश्चात फिर यह यहाँ पर आ गया, क्योंकि यह इसकी संरचना ऐसे है। यहाँ पर आने के पश्चात फिर यह यहाँ पर जो है आरएनए का निर्माण करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एमआरएनए के होते हैं तीन भाग होते हैं, एमआरएनए के तीन भाग होते हैं, जो है एमआरएनए आरएनए के तीन भाग होते हैं, एमआरएनए टीआरएनए आरआरएनए। जो गाइस इसमें हम लोगों का एमआरएनए होगा, यह है जो एमआरएनए होगा यह टेम्पलेट को प्रदान करेगा, यह टेम्पलेट को प्रदान करेगा, टेम्पलेट को प्रदान करेगा, टेम्पलेट को प्रदान करेगा। और जो हम लोगों का टीआरएनए है यह कूटलेखन का कार्य करेगा, प्लस यह कूट का कार्य करेगा, कूट का कार्य करेगा, प्लस उत्प्रेरक का कार्य करेगा, प्लस प्रकूट को पढ़ेगा, प्रकूट को पढ़ेगा। फिर गाइस जो हम लोगों का आरआरएनए होता है टर्मिनेटर, यह समापक का कार्य करता है, यह टर्मिनेटर समापक का कार्य करता है, यह समापक का कार्य करता है। क्योंकि गाइस यह हम लोग बैक्टीरिया में हम लोग पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में आरएनए का निर्माण, या हम लोग जो आरएनए पढ़ रहे हैं या बैक्टीरिया में आरएनए का निर्माण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम लोगों का एमआरएनए है या टेम्पलेट रज्जु प्रदान करेगा, और जो टीआरएनए है या कूट का कार्य करेगा, प्लस उत्प्रेरक का कार्य करेगा, फिर उसमें जो कूट लेखन के बारे में जो आएंगे, जो प्रकूट आएंगे उनको पढ़ेगा, फिर जो आरएनए होता है या टर्मिनेट या समापक का कार्य करेगा, यह टर्मिनेटर का कार्य करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर तो हम लोगों का आरआरएनए रहेगा जो टर्मिनेटर का कार्य करेगा, इसके पश्चात जो एमआरएनए रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, और यह पूरे स्ट्रक्चरल जीन में यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों का टीआरएनए रहेगा। अब यह सिग्मा फैक्टर यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के पश्चात अब इसमें यह कोडिंग किया करेगा, कोडिंग करने के बाद एक नवनिर्मित आरआरएनए का निर्माण करेगा, नवनिर्मित आरआरएनए का निर्माण करेगा। यहाँ पर कोडिंग करने के पश्चात धीरे धीरे यह बढ़ेगा, फिर एक समय आएगा जब यह यहाँ पर समापक के पास आ जाएगा, तो यह जो आरआरएनए है यह सिग्मा फैक्टर से अलग हो जाएगा, आरआरएनए एक तरफ आ जाएगा और जो हम लोगों का सिग्मा फैक्टर है, जो आरएस फैक्टर है, ये यहाँ पर अलग हो जाएगा, या यहाँ पर अलग हो जाएगा। यह समापक है और यह स्टार्टर है, स्टार्टर से प्रवेश किया, धीरे धीरे स्ट्रक्चरल जीन में आया, स्ट्रक्चरल जीन में आने के बाद कूटलेखन की क्रिया करेगा, कूटलेखन की क्रिया के पश्चात यह आरएनए का निर्माण करेगा। अब कूटलेखन की प्रक्रिया मान लीजिए यह टेम्पलेट रज्जु और यह है कूटलेखन रज्जु, इसकी पोलरिटी 3-5 और इसका है 5-3। अब इसका कूट लेखन करना है, यहाँ पर होता है ATCG TAGC। गाइस अब यहाँ पर मान लीजिए यह आरएनए आया, अब यहाँ पर इसका कूट लेखन होगा, तो यहाँ पर एक ही जगह टी आएगा, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पर जी, यहाँ पे सी, फिर टी, फिर ए, फिर यहाँ पे जी, फिर यहाँ पे सी, फिर यह आगे चलकर आरएनए बन जाएगा, हम लोगों का आरएनए
बन जाएगा। तो जो यह आरएनए बना इसका निर्माण इसी से हो रहा है। तो गाइस यह जो है सिग्मा फैक्टर यहाँ पर आया, अब यह आरएनए का निर्माण किया। आरएनए में जो एम आरएनए होता है यह टेम्पलेट प्रदान करता है, जो टी आरएनए होता है यह कूट का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, वह प्रकूट को पढ़ेगा, जो उसमें कूट लेखन होगा उसका अध्ययन करेगा, उसको रीड करेगा। इसके पश्चात जो हम लोगों का आर आरएनए का है यह टर्मिनेटर यह समापक का कार्य करेगा, या मतलब यहाँ पर यह प्रक्रिया जैसे यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर पहुँचने के बाद यह समापक है, इसको रोक देगा। अब हम लोग कोई स्टार्ट करते हैं, कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने वाला होना चाहिए, फिर उसको वाहन करने वाला होना चाहिए, फिर जब कार्य पूरा हो जाएगा तो उसको रोकने वाला होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों का स्टार्ट करने वाला स्टार्टर है जो है एम आर एन ए, फिर स्ट्रक्चर जिनका कार्य टी आर एन ए कर रहा है, फिर इसके पश्चात जब यह बन गया तो जो टर्मिनेटर है टर्मिनेटर का कार्य आर आर एन ए कर रहा है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का डीएनए से एम आर एन ए का बनना। और गाइस एम आर एन ए से जब प्रोटीन बनता है इसे हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन गाइस एमआरएनए के ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। यह हम लोगों के सिलेबस में नहीं है तो हम लोगों को इसे नहीं पढ़ना है। गाइस जब हम लोग डीएनए से डीएनए का पढ़ना बनना, डीएनए से एमआरएनए का बनना पढ़ लिए हैं। गाइस ये है हम लोगों का डीएनए से एमआरएनए का बनना। तो गाइस आई होप अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।